हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने बौद्ध धर्म के बारे में वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी गौतम बुद्ध, डी महावीर स्वामी। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ए सिद्धार्थ, बी वर्धमान, सी राहुल, डी गौतम। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। आगे बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन आता है इसमें, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? ए कीर्तिमान, बी शुद्धोधन, सी पार्श्वनाथ, डी रघुनाथ। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है इसमें, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? ए महात्मा गांधी, बी गौतम बुद्ध, सी अकबर, डी महावीर स्वामी। तो एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखो, एशिया का ज्योतिपुंज क्यों कहा जाता है गौतम बुद्ध को? क्योंकि गौतम बुद्ध ने एशिया के बहुत सारे क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, इसलिए एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। आगे बात करते हैं, पांचवा क्वेश्चन आता है इसमें, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ए 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, बी 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में, सी 540 ईसा पूर्व मथुरा में, डी 563 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो कहाँ पड़ता है आपका? नेपाल में पड़ता है। ठीक है, नेपाल, ए वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। छठवां क्वेश्चन है इसमें, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ए बोधगया, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था आपका सारनाथ में। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। सारनाथ कहाँ पड़ता है आपका? सारनाथ पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे बात करते हैं, सातवां क्वेश्चन आता है इसमें, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, क्या कहलाता है? ए महाविनिष्क्रमण, बी महापरिनिर्वाण, सी महामस्तकाभिषेक, डी धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, जो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है वो कहलाता है आपका धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन आता है इसमें, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ए यशोधरा, बी महामाया, सी महाप्रजापति गौतमी, डी बिम्बा। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। और महाप्रजापति गौतमी कौन थी? ये गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी। ठीक है, नौवां क्वेश्चन आता है इसमें, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ठीक है, ए वाराणसी, बी सारनाथ, सी कुशीनगर, डी गया। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई गया, बौद्ध गया में। ठीक है, ये पड़ता है आपका बिहार में। दसवां क्वेश्चन आता है इसमें, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? ए सत्य, अहिंसा, दया, बी प्रेम, करुणा, क्षमा, सी विनय पीटक, सुक्त पीटक, अधिधम पीटक। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है आपका बुद्ध, धम्म और संघ को। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। आगे बात करते हैं, ग्यारहवां क्वेश्चन आता है इसमें, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? ए कपिल, बी पतंजलि, सी पाणिनि, डी आलार कलाम। तो गौतम बुद्ध के गुरु थे आलार कलाम। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। बारहवां क्वेश्चन आता है इसमें, बौद्ध गया स्थित है? ए पश्चिम बंगाल में, बी उड़ीसा में, सी बिहार में, डी असम में। तो जो बौद्ध गया है वो कहाँ है? वो पड़ता है आपका बिहार में। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं, तेरहवां क्वेश्चन आता है इसमें, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? ए व्यापारी और पुजारी, बी साहूकार और गुलाम, सी योद्धा और व्यवसायी, डी महिला और शूद्र। तो किस पर प्रभाव डाला? महिला और शूद्र पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला किसने? बौद्ध धर्म ने। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चौदहवां क्वेश्चन है इसमें, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? ए घोड़ा, बी हाथी, सी बैल, डी भेड़। तो जो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है वो क्या है? आपका घोड़ा है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं, पंद्रह क्वेश्चन आता है इसमें, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? ए कुशीनगर में, बी कपिलवस्तु में, सी पावा में, डी कुंडग्राम में। गौतम बुद्ध ने
मृत्यु की प्राप्ति कहाँ पर की थी? कुशीनगर में, ठीक है, ये पड़ता है आपका यूपी में, ठीक है, यूपी में। और बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपकी 80 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कुशीनगर, ए ऑप्शन वाला, ठीक है। 16 क्वेश्चन आता है इसमें, नागार्जुन कौन थे? ए ग्रीक राजा, बी वैष्णव संत, सी जैन मठवासी, डी बौद्ध दार्शनिक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बौद्ध दार्शनिक, ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। अब देखो नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन शून्यवाद के प्रतिष्ठापन तथा मध्यामिक मत के पुरस्कारक प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे, ठीक है। आगे बात करते हैं, 17वां क्वेश्चन आता है इसमें, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? ए अशोक, बी कनिष्क, सी कालाशो, डी अजात शत्रु। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी आपकी अजात शत्रु के शासनकाल में, ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अकबर, सी कालाशोक, डी कनिष्क। तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी आपकी कालाशोक के शासनकाल में, सी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी अशोक, डी अजातशत्रु। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी आपकी अशोक के शासनकाल में, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है इसमें, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? ए बिंदुसार, बी कनिष्क, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी हर्षवर्धन। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी आपकी कनिष्क के शासनकाल में, बी वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। अब देखो बौद्ध संगीति को आप इसके माध्यम से भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, अका अक, ठीक है, अ का मतलब अजात शत्रु, का मतलब काला शोक, अ का मतलब फिर से अशोक, और क का मतलब कनिष्क, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है अका अक, अ का मतलब अजात शत्रु, का मतलब काला शोक, अ का मतलब अशोक, क का मतलब कनिष्क, ठीक है। आगे बात करते हैं, 21वां क्वेश्चन आता है इसमें, अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित की गई थी, ठीक है। अब देखो बौद्ध संगीति से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी देखो क्या कहा गया है, अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित की गई थी, ठीक है। ए मथुरा, बी मगध, सी राजगृह, डी पाटलिपुत्र। इसका जो सही आंसर है वो है आपका राजगृह, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका बिहार में, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित की गई थी? ए कुंडलवन कश्मीर में, बी राजगृह में, सी वैशाली में, डी मथुरा में। इसका जो सही आंसर है वो है आपका वैशाली में, ठीक है। और ये भी कहाँ पड़ता है आपका? ये भी पड़ता है आपका बिहार में, सी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं, 23वां क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित की गई थी, ठीक है। अब देखो इसमें पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, बी राजगृह में, सी वैशाली में, डी लुम्बिनी में। अब देखो जो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी, किस स्थान पे? वो हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। और ये भी कहाँ पड़ता है आपका? ये भी पड़ता है आपका बिहार में, ठीक है, बिहार में। 24वां क्वेश्चन है इसमें, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित की गई थी? ए कुंडलवन कश्मीर में, बी राजगृह में, सी वैशाली में, डी पाटलिपुत्र में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कुंडलवन कश्मीर में, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी आपकी कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। आगे बात करते हैं, 25वां क्वेश्चन आता है इसमें, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ए महिपाल, बी देवपाल, सी गोपाल, डी धर्मपाल। इसका सही आंसर होगा धर्मपाल, ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। और धर्मपाल किस वंश के शासक थे? धर्मपाल पाल वंश के शासक थे, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ पीटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? ए संस्कृत में, बी मगधी में, सी पाली में, डी प्राकृत में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पाली में, सी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 27वां क्वेश्चन है इसमें, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अशोक, ठीक है, अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, बी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। 28वां क्वेश्चन है इसमें, सांची क्यों विख्यात है? ए चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के लिए, बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए, सी गुहा चित्रकारी के लिए, डी अशोक के शिलालेख के लिए। सांची प्रसिद्ध है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए, ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं, 29वां क्वेश्चन आता है इसमें, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ए गांधार, बी कन्नौज, सी नालंदा, डी वैशाली। तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है आपका नालंदा, सी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 30वां क्वेश्चन है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी मगधी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पाली,
सी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पाली उस समय जनसाधारण की भाषा थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। 31वां क्वेश्चन है इसमें, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? ए महाकश्यप ने, बी धर्मसेन ने, सी अजातशत्रु ने, डी नागसेन ने। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की आपके महाकश्यप ने। ठीक है, और ये किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी आपकी अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति। ठीक है, 32वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ए सारनाथ में, बी सांची में, सी गया में, डी अजंता में। तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है आपका सांची में। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं, 33वां क्वेश्चन आता है इसमें, बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण प्रकट हुई? ए बूढ़ा रोगी लांस सन्यासी, बी अंधा रोगी लांस सन्यासी, सी लंगड़ा रोगी लांस सन्यासी, डी युवा रोगी लांस सन्यासी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बूढ़ा रोगी लांस सन्यासी, ए वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखो, बुद्ध जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो उनको क्या दिखा? एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा, फिर क्या दिखा? एक बीमार व्यक्ति दिखा, फिर क्या दिखा? एक मृतक शव दिखा, फिर क्या दिखा? एक सन्यासी दिखा। तो इस वजह से उनमें जो वैराग्य की भावना थी वो प्रकट हो गई। 34वां क्वेश्चन आता है इसमें, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ए श्रावस्ती, बी पावा, सी गांधार, डी उज्जैन। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए आपके श्रावस्ती में। ठीक है, कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती, ए वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं, 35वां क्वेश्चन आता है इसमें, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? ए अश्वघोष, बी विश्वामित्र, सी बुद्धघोष, डी नागार्जुन। तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं आपके अश्वघोष। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 36वां क्वेश्चन आता है इसमें, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ए जातक, बी धम्मपद, सी पीटक, डी बुद्ध चरित्र। इसका सही आंसर है आपका बी धम्मपद। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं, 37वां क्वेश्चन है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? ए अजातशत्रु, बी अशोक, सी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, 38वां क्वेश्चन है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? ए हीनयान, बी महायान, सी शून्यवाद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका हीनयान संप्रदाय दक्षिण की ओर के देशों में अधिक प्रचलित हुआ। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। 39वां क्वेश्चन है, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है? ए महायान, बी हीनयान, सी शून्यवाद, डी इनमें से कोई नहीं। अब देखो, हीनयान का तो भारत से दक्षिण की ओर के देशों में प्रचलन हुआ, अब देखो महायान का भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। तो आज की वीडियो में हमने बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको कवर किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको बौद्ध धर्म के बारे में और अच्छे से जानना है तो आप वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मैं लगातार ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।